नमस्कार, साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी महीनों के नाम पढ़ेंगे। एक महीने में दो पक्ष होते हैं जो 15-15 दिनों के होते हैं। इन दोनों पक्षों को, एक को शुक्ल पक्ष और दूसरे को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हिंदी के चैत्र मास से होती है, जो कि अंग्रेजी महीने के मार्च में पड़ता है। एक वर्ष में 12 महीने, कुछ महीने 30 और कुछ महीने 31 दिनों के होते हैं। फरवरी महीने में सबसे कम दिन होता है, इस महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 8760 घंटे, 5,25,600 मिनट और 3,15,36,000 सेकेंड्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी महीनों के नाम। पहला चैत्र, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा भाद्रपद, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, दसवां पौष, ग्यारहवां माघ और बारहवां फागुन। आइए एक बार और देखते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। आइए एक बार और देखते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। इस तरह से हम लोगों ने आज हिंदी महीनों के नाम को देखा। हिंदी महीना सबसे पहला चैत्र होता है और सबसे आखिरी फागुन होता है। धन्यवाद।